आज दुनिया के हर मेजर मेट्रो सिटी में हाउसिंग क्राइसिस है चाहे वो अमेरिका हो यूरोप या एशिया दुनिया के हर मेजर मेट्रो सिटी में घरों के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना अनअफोर्डेबल होता जा रहा है सिर्फ घर खरीदना ही नहीं घरों के रेंटस भी अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं इंडिया के आठ मेट्रो सिटीज में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है लेकिन जापान एक लौबी ऐसी कंट्री है जो अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल रही है टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी होने के बावजूद वहां पे घरों के रेट और प्राइजेस अफोर्डेबल हैं इन कम्पेरिजन टू ऑल अदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज ऑफ दी वर्ल्ड लाइक लंडन न्यूयॉर्क बीजिंग एंड सिंगापुर इनफैक्ट टोक्यो इज नोन एज दी वर्ल्ड लास्ट बिग सिटी विद अफोर्डेबल हाउसिंग आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जापान हैज बीन सक्सेसफुल इन कीपिंग हाउसिंग अफोर्डेबल ये हाउसिंग अफोर्डेबल रखने के लिए जापान के लोगों को क्या नुकसान उठाना पड़ा है और क्या ये तरीके इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं टू मेक हाउसिंग मोर अफोर्डेबल हैलो एवरी वन आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर हम वर्ल्ड की इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़ का डेटा कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइजेस वर्सेस वहाँ पे लोगों की एनुअल इनकम तो शंघाई में घरों के प्राइजेस लोगों की एनुअल इनकम के 50 टाइम्स हैं हॉगकोंग में दैट इज़ 42 टाइम्स बीजिंग में 35.6, पेरिस में 20 टाइम्स हैं और लंडन में सिक्सटीन पॉइंट सेवनटीन टाइम्स लेकिन टोक्यो में ये सिर्फ ट्वेल्व पॉइंट फोर टाइम्स है अगर हम इंडियन सिटीज से कंपेयर करें तो मुंबई में ये रेशियो ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट टाइम्स है दिल्ली एन में फोर्टीन पॉइंट फोर टाइम्स है और बैंगलोर में नाइन पॉइंट सेवन टाइम्स है मतलब टोक्यो मुंबई और दिल्ली से ज़्यादा अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी प्राइजेस वर्सेज़ वहाँ पर रहने वाले लोगों की एवरेज एनुअल इनकम अगर हम रेंटल्स की बात करें तो रेंट इन न्यूयॉर्क इज़ 290 परसेंट मोर एक्सपेंसिव देन टोक्यो लंडन इज हर सिक्सटी परसेंट मोर एक्सपेंसिव एंड शंघाई 19 परसेंट अब एक आर्ग्यूमेंट तो यह है कि जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है और शायद इसीलिए टोक्यो में हाउसिंग अफोर्डेबल है तो हाँ जापान की पॉपुलेशन डेफिनेटली कम हो रही है लेकिन टोक्यो के नहीं किसी भी और मेजर मेट्रो सिटी की तरह टोक्यो की पॉपुलेशन भी बढ़ी है इनफैक्ट टोक्यो इज़ दी मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी इन दर्ल्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ थ्री पॉइंट सेवन ग्रोड्स अब अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये दिखाता है कि 1995 से 2015 के बीच लंदन, टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को में पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी है और प्रॉपर्टी प्राइजेस कितने परसेंट बढ़े हैं यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बाकी सभी सिटीज़ की पॉपुलेशन टोक्यो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न है कि टोक्यो में अभी भी प्रॉपर्टी की प्राइज अफोर्डेबल हैं इसके चार मेन रीजनस हैं सबसे पहला रीज़न है कि टोक्यो हैज़ बिल्ट मोर हाउसेज देन एनी अदर सिटी जापान में कॉन्स्टेंट अर्थविक्स आते रहते हैं और इसी वजह से वहाँ पे लोग हर तीस सालों में अपने घर का अपनी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करते ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे अब रीडेवलपमेंट का एक और फायदा है कि कॉन्स्टेंट रीडेवलपमेंट की वजह से डिमांड और सप्लाई का गया कमी नहीं बढ़ता जब भी डिमांड बढ़ती है तो रीडेवलपमेंट करके सेम प्लॉट पे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है ज्यादा घर बनाए जा सकते हैं और उस डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है अगर डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस कभी ज्यादा शूट नहीं करेंगे सेकेंड रीज़न है कि कॉन्स्टेंट रीडेवलपमेंट की वजह से जापनीज लोग रियल इस्टेट को एज अ एंड यूज प्रोडक्ट देखते हैं ना कि एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे घरों के प्राइजेस अफोर्डेबल रहते हैं जापनीज़ लोग रियल स्टेट को एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट देखते हैं कि आप इसे कुछ सालों के लिए यूज़ करोगे और उसके बाद इसे रिप्लेस कर दोगे जहाँ पे लोग रियल स्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करते हैं वहाँ पे स्पेकुलेशन की वजह से प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं थर्ड रीज़न फॉर अफोर्डेबल प्राइजेज इज कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन जापान में इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रेगुलेशन थोड़े से कम है और अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी फास्ट है जिस वजह से डेवलपर्स ज़्यादा बिल्ड कर पाते हैं मतलब एफ ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बना पाते हैं ज़्यादा घर बना पाते हैं और रेगुलेशन कम होने की वजह से वो फास्ट बिल्ड कर पाते हैं फाइनल रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पार्किंग लॉस जापान में लॉ है कि आपको गाड़ी खरीदने का परमिट तभी मिलेगा जब आपके पास पार्किंग करने की जगह है इनफैक्ट आप शहर में पूरी रात सड़क पे गाड़ी पार्क भी नहीं कर सकते प्लस टोक्यो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इंक्लूडिंग साइकिलिंग ट्रैक एंड वॉकिंग ट्रैक बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट टोक्यो हैज़ दी लीस्ट कार ओनरशिप रेशियो ऑल एक मेजर सिटीज इन दी वर्ल्ड तो बेसिकली लोग कार यूज करने की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाना या साइकिलिंग करके या पैदल ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं और इसी वजह से टोक्यो इतना हाई डेंसिटी होने के बावजूद वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू दी अदर मेट्रो सिटीज इन दी वर्ल्ड अब इतने सारे घर बनाने के कुछ डाउन भी हैं सबसे पहला है कि सिटी एक कॉन्क्रीट जंगल लगने लगती है टोक्यो हैज़ मच लेसर ग्रीन एरिया देन एनी एन अदर मेजर मेट्रो सिटी इन दी वर्ल्ड जो एक बहुत ही बड़ा डाउन साइड है सेकेंडली कॉन्स्टेंट रीन डेवलपमेंट की वजह से लोगों को कंटिन्यूसली नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन भी फेस करना पड़ता है तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या टोक्यो मॉडल इंडिया में इम्पलीमेंट किया जा सकता है तो पूरी तरीके से तो नहीं बट हम कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर ले सकते हैं जैसे बड़े शहरों में हाउसिंग की सप्लाई इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है रीडेवलपमेंट और लास्ट कुछ सालों में इंडिया में रीडेवलपमेंट पे फोकस बड़ा भी है लेकिन रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा प्रोसेस काफी टीडियस और कन्फ्यूजिंग है और इसीलिए मेजोरिटी प्रॉपर्टी ओनर्स खुद कॉन्ट्रैक्टर हायर करके रीडेवलपमेंट कराने की जगह पे किसी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं अब जब बिल्डर रीडेवलपमेंट कराता है तो नए बने हुए यूनिट्स का प्राइस काफी ज्यादा होता है जिस वजह से एंड यूजर्स को फायदा नहीं हो पाता अब ऐसे केस में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा टू सिंप्लीफाई दी इंटायर रीडेवलपमेंट प्रोसेस ताकि प्रॉपर्टी ओनर्स खुद कॉन्ट्रैक्टर हायर करके रीडेवलपमेंट करा सकें ताकि प्राइस थोड़ा कंट्रोल में रहे अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू प्रमोट दी रीडेवलपमेंट एंड आई एम श्योर बेस्ड ऑन दी फीडबैक ये प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई भी होगा फ्यूचर में लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंडिया में रीडेवलपमेंट को लेकर क्या एडवांटेजेस है क्या चैलेंजेस है प्रोसेस कैसे काम करता है और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा सेकेंड एस्पेक्ट है रेगुलेशन का अब इंडियन रियल इस्टेट में लास्ट डाउनफॉल आया ही इसलिए था क्योंकि इंडियन रियल इस्टेट में कोई रेगुलेशन नहीं थे और इसीलिए रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था तो हम रेगुलेशन कम तो नहीं कर सकते बट पूरे अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट जरूर करना होगा रेरा मिलने में डीले की वजह से काफ़ी सारे नए लॉन्चेस डीले हो जाते हैं जिस वजह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप बन जाता है जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे आता है फाइनली वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव आवर सोशल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जब रीडेवलपमेंट होता है तो सेम लैंड पार्सल पे ज्यादा घर बनते हैं और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर सच एज इलेक्ट्रिसिटी वाटर सीवेज ज्यादा एडिशनल प्रेशर आता है तो मैसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले गवर्नमेंट को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है लास्ट पंद्रह सालों में काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर मेट्रो आ चुकी है रोड एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन हमको इसकी पेस फास्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये टाइमली कंप्लीट हो सके अब लेट से अगर हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर भी दें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इतने सारे नए घर बनेंगे तो ऑफकोर्स पोल्यूशन भी बढ़ेगा दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड गिवन दी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटी में रहना वर्थ नहीं है सो जापनीज़ मॉडल बोलता है कि अगर हमको घरों के प्राइसेस को अफोर्डेबल रखना है तो हमको और ज़्यादा घर बनाने होंगे लेकिन इंडिया में जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ ऑलरेडी इतनी कंजस्टेड हैं क्या वहाँ पे और ज़्यादा नए घर बना के उनको और कंजस्टेड करना लॉजिकल होगा या फिर हमको और ज़्यादा नई सिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है आइडली वी नीड न्यू सिटीज जहाँ पे इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रीजनेबल प्रॉपर्टी प्राइजेस हो और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो बट प्रैक्टिकली ये सारे इनिशिएटिव्स इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइस राइज की स्पीड शायद थोड़ी सी कम कर सकते हैं लेकिन जापान की तरह इंडिया में प्रॉपर्टी की प्राइज को अफोर्डेबल रखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ आर रिलेशनशिप विध रियल इस्टेट जापान में रियल इस्टेट को एज अ एंड यूज प्रोडक्ट देखा जाता है जबकि इंडिया में इट इज अ स्टेटस सिंबल इट इज़ अ फैमिली असेट एंड इट इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो पूरे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियल इस्टेट की वैल्यू बढ़े बट वी डेफिनेटली नीड सम मेजर्स जो ये ग्रोथ की स्पीड को कंट्रोल कर सके ताकि एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली भी एक घर खर खरीदना अफोर्ड कर सके आपको क्या लगता है ये प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए और अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को कवर करता रहूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहूंगा दैट्स ऑल फॉर टुडे साइनिंग ऑफ आई एम रोहन भारद्वाज टेक केयर हैव फन